आज जुम्मा है और हम नहा धो के सब करके रेडी है। अभी तक मेरा झाड़ का पानी नहीं डाला है, वो बाकी है। और सबसे पहले अभी नानीश को जाने का रहता है तो मैं अभी बनाऊंगी सबसे पहले नाश्ता। तो नाश्ते में क्या है वो मैं बताऊंगी। सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना नहा धो के, ठंडी एकदम, ठंडी भी बहुत ज़्यादा है ना, ठंडी एकदम से गायब हो जाती है। ठंडी इतनी आ रही है कि मतलब क्या बताओ, बाप रे हालत खराब होती है। हम लोग तो रात में फैन भी नहीं लगाते। और अभी मैं नाश्ते में क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। तो कल मैंने कहा था ना विश्रुता लेकर आई है वो वांगे और वाल पापड़ी की फली, तो ये वो बना के चली गई थी भाजी, और मैं अभी बनाऊंगी रोटी। ये देखो ये कैसा आया, ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया है, तो मैं अभी रोटियां बनाऊंगी और फटाफट दानिश को नाश्ता कराऊंगी। ये ले। दानिश का भी नहाना हो गया है, ले छोनी ले। अच्छे से लगा, उसके ऊपर कपड़ा भी डालना पड़ेगा क्योंकि वो अभी दिखना नहीं चाहिए। सोनी रोटी खाएगा? निकाल के रखने पड़ेंगे या बीच रखो क्या? क्या चाहिए चोनी को? चोनी यहाँ पे लल्ला और छोटी की मस्ती चली है, और पुचुक को देखो कैसे रोटी खा रहा है। उसको रोटी बोलो ना तो उसको सब अच्छे से समझ में आता है, रोटी बोलने के बाद वो तुरंत चलाता है, लेकिन उसको रोटी गरम गरम लगती है। वो गरम रहेगी उतने में जो खाएगा वही रोटी, उसके बाद फिर उसको वो बिल्कुल देखेगा नहीं। तो देखो किस तरह से उसने रोटी खाई, कितना अच्छा है ना माशाल्लाह। ज़्यादा कुछ खाता ही नहीं है पहली बात तो, वो एकदम मूड के हिसाब से कुछ अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसा है उसका। खाने पीने में बहुत बहुत कम खाता है वो, लेकिन वो जो भी खाता है हम चाहते हैं कि वो खाए भी, चाहे वो जैसे भी हो, खाने से मतलब है ऐसा। देखो किस तरह से किचन पे से उतरना नहीं है उसको, बस मेरे पास किचन पे ही रहना है, और हमेशा ऐसा ही करता है वो। और वो कैमरे को भी बराबर देखता है, हाँ देखो वो अभी भी कैमरे पे बराबर देख रहा है, देखो उसकी नज़रें माशाल्लाह वो ऐसा ही है, बहुत अच्छा है। उसको बस मैं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे
तंदुरुस्त रखे और माला माल रखे। आमीन आमीन सुमा आमीन। सबको मेरी तरफ से आज की जुम्मा मुबारक। और मैं अभी नाश्ते को बैठा हूँ तानिया को लेके, तो आप लोग भी नाश्ते को आओ। ये रहा हमारा नाश्ता जो विशुदा ने कल तरकारी बनाई थी वो, और अभी मैंने बनाई रोटी। अभी हम करेंगे नाश्ता। और हाँ विश्रुता देख लेना तेरी भाजी खा रहे, उसको लग रहा था कि उसकी भाजी हम खाएंगे नहीं, देख लेना हम वही नाश्ता कर रहे। क्या बोले देखो, बोलते हफरा भी चाहिए। खाना नहीं खाना बता मुझे। मस्त है ना, बहुत अच्छी भाजी बनी है। मेरा पार्सल आ चुका है। और कल जो मैंने बताया था ना ध्रुवील के कपड़े मैंने चेंज किए थे, तो मैंने लाए थे, उसका वीडियो मेरा बनाने का रह गया, लेकिन कल मैंने वो मैंने विश्रुता के पास दे दिया है जो ध्रुवील के लिए कपड़े लिए थे। तो जब मैं विश्रुता के यहाँ जाऊँगी ना, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बताने की कि मैंने उसके लिए उसके बदले मतलब वो कपड़े एक्सचेंज करके मैंने क्या उसके लिए और लिया। और दूसरी बात, कल विश्रुता को मैंने क्या दिया उसको तिल के लड्डू बनाए थे ना, उसको तिल के लड्डू खाने के थे, फिर उसको मैंने तिल के लड्डू दिए, केक दिया, और साथ में दिया मैंने चिकन फ्राई एक्स्ट्रा बनाया था, यही सोच के बनाया था कि मुझे उसको टिफिन में देना है उसके लड़के के लिए। तो फिर ऐसी तीन चीज़ें विश्रुता लेकर गई और उसको बहुत अच्छा लगा, लड़के को भी, उसने लड़के ने मज़े से खाया है, उसका फ़ोन आया था सुबह उस हिसाब से। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं जाऊँगी तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वही भी वो वीडियो बनाऊँ कि हम विश्रुता के यहाँ क्यों गए थे उसके ऊपर से। तो ये सब रहा। और मैंने जो बोला था ना परसों के वीडियो में, हाँ जो कि मेरा कल वीडियो आया है उसमें, कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं शॉपिंग के लिए गई लेकिन मुझे कुछ चीज़ें नहीं मिली। तो आज हो सकता है अगर दानिश आते हैं जल्दी तो मैं इंशाल्लाह आज जाऊंगी वापस से शॉपिंग के लिए। तो अभी देखते हैं क्या होता है ना। और बच्चे इतने अच्छे मस्त बैठे धूप के अंदर, ठंडी इतनी है क्या करे। देखो ये छोटी उतर गई है अभी छोटी, नीचे क्यों उतरी पापा, आ जा छोटी नीचे बैठ गई। यहाँ पे धूप आती है ना तो अच्छे बैठ जाते बच्चे। यहाँ पे ये मेरा पार्सल आया था जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, कल परसों आया था शायद से, लेकिन मैं उसको ओपन करना ही भूल गई थी, बिजी थी इसकी चक्कर में। फिर आज याद आया था, मैंने सोचा चलो उसको खोल देती हूँ। तो ये एक ड्रेस पीस है जो मैंने मंगाया था ऑनलाइन, लेकिन जिस तरह से वो मैंने देखा था उस हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगा। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कपड़े में कोई ये नहीं, लेकिन डिज़ाइन जो जैसा दिख रहा था वो मुझे यहाँ सामने देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे मैं वही दानिश को बता रही थी कि कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है, दानिश ने भी देखा, उनको भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना मतलब पुराना पीस है एकदम, पता नहीं अजीब सा लग रहा था। तो मैंने इसको वापस रिटर्न किया। मगरिब की नमाज हो गई, मेरा वीडियो डाला और उसके बाद अभी ली है चाय पीने के लिए, दानिश भी है। अरे दानिश चाय पोस। तो आज वीडियो मेरा टाइम पे गया क्योंकि आज मेरा वीडियो परफेक्ट टाइम पर हो चुका था, वरना मगरिब बाद तुरंत वीडियो नहीं आया तो समझने का नेटवर्क प्रॉब्लम है। और दूसरी बात कहूँगी कि मैंने डेली ब्लॉग का बोल तो दिया है, लेकिन डेली ब्लॉग्स मेरे लिए इतना मतलब इतना क्या बोलूँ,
टेंशन वाला काम हो गया है, क्योंकि रोज का इतना घर का काम, बच्चों को संभालो, खाना पकाओ, वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, हर चीज अकेले करनी है। तो वो डेली रोज के रोज वीडियो बनाना और डालना, इतना मेरे को मतलब इतना भी परेशान हो रही हूँ। थोड़ा सा मुझे ना टेंशन में ज्यादा रहती हूँ मैं अभी, ना डालू टेंशन इस बात का ज्यादा रहता है नेटवर्क की वजह से कि अल्लाह मेरा अभी तक तो वीडियो हुआ नहीं, अभी मैं आज क्या डालूंगी, मेरा कब आज वीडियो जाएगा, इस बात का मुझे ज्यादा टेंशन रहता है। तो अभी तो मैं सुबह सुबह बहुत जल्दी नहा धो के लेती हूँ, क्योंकि ठंडी की वजह से, क्योंकि अगर जल्दी नहाऊँ ना तो ऐसा लगता है ठंडी लेकर बैठे, ऐसा लगता है चलो चादर में जाओ, बैठ के रहो, कुछ काम मत करो। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से नहा लेती हूँ, नहाए फिर कोई टेंशन नहीं, बिन ठंडी मस्त तो पूरी तरह से गायब हो जाती है और काम वगैरह सब कुछ अच्छे से मतलब हो जाता है, तो परेशानी नहीं होती है। और दूसरी बात, विश्रुता वाला अभी तक तो मेरा पार्सल नहीं आया है, आने का है, ऑन द वे बता रहा है, मतलब आज ही आएगा, पर अभी कब तक आएगा वो पता नहीं, लेकिन आएगा जरूर। तो ऐसा सब चला है, क्या करूँ मैं, परेशान हो गई। अभी आज का सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, देखो मगरिब बाद उसको मैं अभी खत्म करूंगी, बराबर बिल्कुल ना दानू। और शॉपिंग के लिए जाना था, दानिश भी आए, लेकिन इतनी थकान थी ना, खास करके दानिश ने जान दो ना, हम कल जाएंगे, कल टाइम दूंगा मैं। तो मैं तो वही चाहती थी कि मैं खुद भी कंटाल गई थी, कि पूरे दिन का अखा सब करने के बाद फिर शॉपिंग को जाओ तो इंसान थक जाता है, तो इसलिए हम शॉपिंग के लिए गए नहीं। इंशाल्लाह कल जल्दी जाएंगे, क्या जरूर जरूर इंशाल्लाह कल जल्दी जाएंगे। जरूर और अभी बच्चों का चिकन भी लाना है, नीचे भी जाना है, तो अभी मैंने दानिश को क्या कहा है कि लेट ही जाओ, मतलब कि तुम चिकन लेके आओ फिर मैं नीचे जाऊंगी, नहीं साथ में ही जाएंगे, साथ में ही जाएंगे, दानी जाएंगे चिकन लेने, तब तक तो भी बच्चों के साथ नीचे खेलूंगी, फिर दानिश आएंगे, फिर उनको खिलाएंगे और फिर चले आएंगे। तो ऐसा सब आज का प्लान है, और आज कोशिश करने वाली हूँ मैं जल्दी सोने की, जल्दी सोना नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करती हूँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चाय पीने आओ।